Hello students, today's topic of pathophysiology subject is peptic ulcer, in which we are going to study about the introduction of the peptic ulcer, etiology, sign and symptoms, complication and mean its pathophysiology. So let's start the topic. Peptic ulcer. It is the break in the lining of stomach that is in the first part of the small intestine. Means peptic ulcer में क्या होता है, breakage होना start हो जाता है in the lining of the stomach. Stomach की जो lining होती है वहाँ पे, mainly in the first part of the small intestine. Second point है, an ulcer is a wound associated with bleeding. Ulcer में क्या होता है कि extreme condition जब ulcer की हो जाती है तो उसमें bleeding होना start हो जाता है, इसलिए उसको एक wound भी यहाँ पे बोला इसने कि अल्सर इज अ वुंड एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज, एन अल्सर इन स्टमक इज कॉल्ड द गैस्ट्रिक अल्सर एंड दैट इज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज द डुओडेनम अल्सर. अल्सर को भी इसने दो पार्ट्स में कर दिया है कि अगर स्टमक में अल्सर का फॉर्मेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और जब फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन में होता है तो उसको हम बोलते हैं डुओडेनम अल्सर. इसको और डीप अगर हम पढ़ें तो पेप्टिक अल्सर है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं. अगर मेन सिंपल डेफिनेशन हम पेप्टिक अल्सर की देखते हैं तो इट इज़ द इम्बैलेंस बिटवीन द एग्रेसिव फैक्टर एंड द डिफेंसिव फैक्टर. अब ये एग्रेसिव फैक्टर क्या होता है और डिफेंसिव फैक्टर क्या होता है. एग्रेसिव फैक्टर होता है ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एग्रेशन कॉज करवाते हैं, मीन्स ये वो फैक्टर्स हैं जो कि अल्सर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एसिड, पेप्सिन, एच पायलोरी बैक्टीरिया, दीज ऑल आर the factors of aggressive. नेक्स्ट इज डिफेंसिव फैक्टर. डिफेंसिव फैक्टर ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे अल्सर के फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करवाते हैं स्टमक में, कि अल्सर का फॉर्मेशन ना हो बॉडी में. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, लाइक गैस्ट्रिक म्यूकोसा, बायकार्बोनेट, प्रोस्टाग्लैंडिन, दीज ऑल आर दी डिफेंसिव फैक्टर्स. तो जब इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस कॉज होता है तो वो अल्सर को कॉज करवाते हैं. इम्बैलेंस होता है तो ये आगे की ब्रेक इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, फिर क्या क्या बॉडी में हुआ, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे आए हैं. तो हमें पेप्टिक अल्सर पता चला कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है. नेक्स्ट है इसकी ईटियोलॉजी, मींस ऐसे क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन बॉडी में स्टार्ट हुआ. फर्स्ट पॉइंट इसने बताया यहाँ पे इन्फेक्शन. अब इन्फेक्शन जब होता है तो उसने अल्सर कॉज कैसे करा, इसके बारे में हम देखते हैं. ऐसा ये बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पायलोरी, जो ऐसे मैंने अभी पहले बताया था एच पायलोरी बैक्टीरिया, दैट इज़ हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया. ये मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है अल्सर को कॉज करवाने में. जब इसकी एंट्री ओरल रूट से होती है तो वो ये स्टमक में पहुंच के स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें ब्रेकेज कॉज करवा देता है. ब्रेकेज की वजह से जो HCL होता है वो आउटसाइड द स्टमक जाने के बाद में इन्फ्लामेशन कॉज करवाता है. इन्फ्लामेशन कॉज होता है तो अल्सर का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है. सेकेंड है क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉज इन्फ्लामेशन. मीन्स इन्फेक्शन इतना हुआ कि वो क्रोनिक हो गया, कि वो उसको ट्रीट ही नहीं करवाया, पहले वो बढ़ता चला गया. तो जब इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ या फिर उसको ट्रीट नहीं करवाया तो वो इन्फ्लामेशन कॉज करवा देते हैं स्टमक में. जब इन्फ्लामेशन कॉज होगी, अभी मैं हमने पहले डिस्कस करा था, इन्फ्लामेशन कॉज होगी तो वो अल्सर का फॉर्मेशन भी स्टार्ट कर देता है. थर्ड पॉइंट इज इम्यून सिस्टम इज अनेबल टू क्लियर द इन्फेक्शन इन स्पाइट ऑफ अपेयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स. मीन्स इन्फेक्शन, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना कैपेबल नहीं रहा, वो इतना वीक हो गया क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से कि वो इन्फेक्शन से फाइट ही नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से भी क्या हुआ, अल्सर कॉज हो गए हमारे. नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रग्स. अब हमारे कुछ ऐसे नॉर्मल लाइफ के भी ड्रग्स होते हैं, मीन्स हम डेली बेसिस पे लेते हैं, जो कि अल्सर को कॉज करवा सकते हैं. अल्सर को कॉज वो तभी करवाते हैं अगर हम उसको क्रोनिक अगर यूज़ हुआ है. फर्स्ट पॉइंट है इसमें कंजप्शन ऑफ नसेट्स कैन लीड टू अल्सर. अगर हम लॉन्ग टर्म क्रोनिक यूज़ करते हैं नसेट्स का, दैट इज़ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दैट लीड्स टू द अल्सर. नेक्स्ट है गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोटेक्ट्स इट्सेल्फ फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड विद द लेयर ऑफ म्यूकस, द सीक्रेशन ऑफ विच इज स्टिम्युलेटेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन. तो जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा भी है, मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक म्यूकोसा एज अ डिफेंसिव फैक्टर वर्क करता है. कैसे वर्क करता है, इट प्रोटेक्ट इट्सेल्फ फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड. एसिड से ये प्रोटेक्ट करवाता है म्यूकोसा विद द लेयर ऑफ म्यूकस. म्यूकस की लेयर स्प्रेड होती है स्टमक में, जो कि क्या करवाती है, ये गैस्ट्रिक एसिड को से प्रोटेक्ट करवाती है हमारे स्टमक को. और इसके सिक्रीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन. अब जब हम नसेड्स का यूज़ करा हमने तो नसेड्स क्या करवाते हैं, ये ब्लॉक करवा देते हैं सिंथेसिस
किसकी सिंथेसिस को, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को. जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है तो ये पूरा सेकंड पॉइंट जो है हमारा कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोटेक्ट करवा रहा था, तो ये सारा पॉइंट जो है वो इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से अल्सर कॉज हुआ हमारी स्टमक में. नेक्स्ट इज डाइट. डाइट भी मेन रोल प्ले करता है अल्सर को कॉज करवाने में. अगर हम ज़्यादा स्पाइसीज फूड ले रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, तो भी वो अल्सर कॉज करवाते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रेस. इन्फेक्शन ऑफ एच पायलोरी और यूज़ ऑफ नेसिड्स इंक्रीज दी चांस ऑफ अल्सर. ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि एच पायलोरी की वजह से या फिर नेसिड्स की वजह से भी क्या होता है, अल्सर कॉज हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं अल्सर कॉज होने के, कि आपको कैसे बॉडी में लग रहा है कि अल्सर कॉज हुए हैं. तो फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन एट द टाइम ऑफ मील. मील लेते टाइम एब्डोमिनल पेन फील होता है. नेक्स्ट इज एब्डोमिनल फुलनेस फील होती है एब्डोमेन में. नोजिया मीन्स घबराहट सी रहती है. लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अल्सर. नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट है अगर अल्सर को ट्रीट नहीं करवाया, क्रोनिक हो गया वो, तो वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज करवा सकते हैं हमारी बॉडी में. तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ब्लीडिंग इन GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ब्लीडिंग. अभी हमने डेफिनेशन के जो सेकंड पॉइंट था उसमें भी देखा था कि ब्लीडिंग कॉज हो जाती है, वुंड का फॉर्मेशन करवा देते हैं अल्सर. तो वुंड कब होता है, मैंने वहाँ पे भी बताया था कि जब ट्रीट नहीं करवाते तो वो धीरे धीरे क्या करवा देता है, एक वुंड का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पे, जो कि फर्दर ब्लीडिंग कॉज करवाता है. तो दैट इज इन दी केस ऑफ लॉन्ग टर्म, कि हमने अल्सर को ट्रीट ही नहीं करवाया तो कॉम्प्लिकेशन में क्या आया, ब्लीडिंग इन दी GIT. सेकेंड इज परफोरेशन मीन्स होल इन दी वॉल ऑफ दी GIT. गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इज नैरोइंग ऑफ पायलोरिक कैनाल मीन्स नैरो हो जाती है जो कैनाल है हमारी गैस्ट्रिक की, वो भी नैरो हो जाती है. तो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर. नेक्स्ट इज इट्स पैथोफिजियोलॉजी मेन. अभी हमने डिस्कस करा था पैथोफिजियोलॉजी से पहले कि एच पायलोरी बैक्टीरिया, तो जो मेन रोल पेप्टिक अल्सर में प्ले करता है कॉज करवाने के लिए वो एच पायलोरी बैक्टीरिया ही होता है. तो पैथोफिजियोलॉजी में हम पूरा देखेंगे कि एच पायलोरी बैक्टीरिया ने कैसे वर्क करा स्टमक में जाके कि उसने अल्सर का फॉर्मेशन करवा दिया. तो फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज एच पायलोरी ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल या फिर ओरल ओरल रूट. मीन्स ये ओरल रूट से या फीकल कैसे भी रूट से जब ये बॉडी के अंदर एंटर करता है, स्टमक में पहुंचता है, इट इन स्टमक इट स्विम्स इन विस्कस म्यूकस ड्यू टू फ्लैजिला. मींस ये स्टमक में एंट्री के बाद में वहां पे क्या करता है, मेन इसका जो रोल होता है एच पायलोरी का, जब ये स्टमक में एंटर करता है तो ये स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसका ब्रेकेज करवाना स्टार्ट करवा देता है. उसमें ब्रेकेज होगी, इन्फ्लामेशन कॉज होगी तो क्या होगा, वो अल्सर का वुंड फॉर्म करेगा. तो मींस वो एट दी एंड अल्सर का फॉर्मेशन वो करवा देता है. तो ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर हुए हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, ये वाला पॉइंट देखें अगर हम, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया फ्रॉम यूरिया बाय बैक्टीरियल यूरियज. जब ये बैक्टीरिया स्टमक में एंटर करता है तो ये प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया का प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करवा देता है. जब अमोनिया का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा बॉडी में तो ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कॉज करवाते हैं. इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कॉज होगा तो डैमेज टू दी म्यूकस, म्यूकोसल लेयर जो होती है स्टमक की उसमें डैमेज स्टार्ट होता है एंड एट दी एंड गैस्ट्रिक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाते हैं बॉडी में स्टमक में. तो इट इज़ दी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर, कैसे कैसे पेप्टिक अल्सर कॉज हुआ बाय दी एच पायलोरी बैक्टीरिया. अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझे तो क्या है नॉर्मल, यहाँ पे पहले देखते हैं क्या है. अगर हम ये नॉर्मल वाला देखें, नॉर्मल म्यूकोसल लेयर जो होती है यहाँ पे देखो तो ऐसी होती है पूरी, ठीक है. डैमेजिंग फैक्टर की बात करें तो कौन सी है, अभी हमने स्टार्टिंग में भी बताया था गैस्ट्रिक एसिडिटी, पेप्टिक एंजाइम, ये सब क्या है, ये डैमेजिंग फैक्टर्स हैं. मींस ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इस म्यूकोसल लेयर को डैमेज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. अब ये डिफेंसिव फैक्टर कौन कौन से हैं, अभी हमने बताए थे बायकार्बोनेट का सिक्रीशन, बायकार्बोनेट का म्यूकोसल ब्लड फ्लो, म्यूकस सिक्रीट होगा तो वो लेयर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि प्रोटेक्ट करेगा लेयर को फ्रॉम दी HCL और दी इन दी फॉर्मेशन ऑफ अल्सर. ये था हमारा नॉर्मल, कि नॉर्मल म्यूकोसल लेयर जो होती है वो ऐसी होती है. बट जब हमने क्या करा यहाँ पे,
जब हम यहाँ पे इंजरी कॉज हुई, इंजरी कब कॉज हुई, इंजरी कॉज होती है हमारी एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से, नसेड्स की। मींस आप इसमें जितने भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है वो आप इसमें लिख सकते हो। इंजरी तभी कॉज हो रही थी तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन, नसेड्स, सीक्रेट, एल्कोहल, ये सब क्या करते हैं, ये जो म्यूकोसल लेयर थी इसको डैमेज करवाने का ये वर्क करते हैं, जितने भी ये अग्रेसिव फैक्टर्स थे। और इसका अदर रीज़न क्या दिए, इसेमिक स्ट्रोक भी की वजह से भी अल्सर फॉर्मेशन होता है। ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज्ड डैमेज और इम्पेयर्ड डिफेंसेस, मींस जो डिफेंसिव फैक्टर थे उसमें भी ये इम्पेयरमेंट कॉज करवा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है हमारा, ये पेप्टिक अल्सरेशन कॉज हुआ। पेप्टिक अल्सरेशन में अब क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारी म्यूकोसल लेयर, यहाँ पे हमने नॉर्मल वाले केस में देखी क्या थी कि नॉर्मल तो म्यूकोसल लेयर ऐसे होती है हमारी, बट इन द केस ऑफ पेप्टिक अल्सरेशन ये पूरी म्यूकोसल लेयर जो है, ये पूरी म्यूकोसल लेयर डैमेज हो गई। डैमेज होने से क्या होता है कि, और हमने एक पॉइंट देखा था कि जब अल्सरेशन होती है तो उसका एक पॉइंट ये भी होता है कि इन्फ्लामेशन कॉज होती है जिसकी वजह से अल्सरेशन कॉज होता है। तो इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन यहाँ पे होना स्टार्ट हुई, मींस डैमेजिंग इन द सेल्स ऑफ द स्टमक कॉज हुआ, जिसकी वजह से ये म्यूकोसल लेयर ब्रेक होना या फिर डैमेज होना स्टार्ट हुई ये, एंड इन दी एंड पैप्टिक अल्सर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये डायग्रामेटिक की से भी हमने पूरा समझा कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्सर क्या है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द पैप्टिक अल्सर। थैंक यू।